हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर सेठ। आइए दोस्तों, आधुनिक इतिहास के भंडारे में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपका कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, इतिहास में आधुनिक इतिहास का जो प्रश्न आएगा दोस्तों, वो बहुत ही बेहतरीन होगा और तुम उसकी खोपड़ी में छेद कर दोगे। तो आइए दोस्तों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर पसीना बहा सको तो स्वागत है आपका दोस्तों। और जो मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, उन सभी से एक बात कहूंगा, तुम तो पूरी शिद्दत से मेहनत करो दोस्तों, तुम्हारी जो सफलता होगी ना, वो शोर नहीं भूचाल लेकर आएगी। तो स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल, नीतीश कुमार, जीके जीएस, विक्की यादव, संतोष, विकास, राजपाल, सभी का स्वागत है। हो जाओ तैयार दोस्तों इस तांडव में। और ध्यान रखना, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंह आसन होगा। अगले दोस्तों एक घंटा आप सभी को पूरी शिद्दत से अपना नोटबुक पेन उठा लीजिए, क्योंकि दोस्तों लगभग 100 से अधिक सवाल गोली की तरह आपके सामने आने वाले। तो चलिए दोस्तों, हो जाओ तैयार, आगाज करते हैं आधुनिक इतिहास के भंडारे का। और सबसे पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल वोट, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। अरे मेरे शेरों, हो जाओ तैयार, क्योंकि तुम सभी को पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और अब की बार वो मेरा शेर मेरी शेरनी पक्का इस पेपर को नस्ते नाबूद करके आएगी। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं आज की क्लास का। और ये लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक इतिहास में दोस्तों आपने जो कुछ मेरे साथ पढ़ा है, उस सभी को मैं एक ही क्लास में पूरी ऊर्जा के साथ में, जितनी दोस्तों मेरे अंदर एनर्जी होगी ना, उस सभी के साथ में, मेरे पसीने के साथ में, मेरी टीम की मेहनत के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। चलिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1757 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन आए थे? जो क्लाइव है, झंडू बाम जो क्लाइव है, वो अंग्रेजी सेना की तरफ से था। सामने कौन थे दोस्तों? बंगाल के जो नवाब थे। कौन थे? बंगाल के जो नवाब थे, जो दोस्तों सामने थे इनके। और इसमें जीता कौन दोस्तों? ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? वो किया दोस्तों क्लाइव ने। किसने किया? क्लाइव ने। अरे मुनरो ने नहीं किया, बक्सर के युद्ध में दोस्तों हक्टर मुनरो जो है, उन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लिस्ट बनाओ दोस्तों, फटाफट से लिस्ट बनाओ। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव। कौन थे? क्लाइव दोस्तों। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर तुम मेहनत कर सकते हो ना, तभी डेढ़ घंटे रुकना मेरे साथ में, बाकी दोस्तों अगर नहीं कर सकते तो मत रुकना। अगर पसीना बहा सको तो दोस्तों इस क्लास के अंदर रुक जाना। तो आइए, अगर पूछे बंगाल का दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे पहले, तो नोट कर लेना, ये थे भाई साहब कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर पूछो भारत के दोस्तों पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लिखिएगा दोस्तों विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। अगर पूछ लूं आपसे कि दोस्तों भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय दोस्तों छापिएगा, ये थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। आने दो दोस्तों एग्जाम को, ये तुमसे वादा रहा, इस एक घंटे की क्लास को जितना सुन सको उतनी बार सुन लेना, अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, भारत का पूछा था हमने, पूरा पोस्टमार्टम किया झंडू बामों का। पहला क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर दोस्तों क्लाइव थे। बंगाल के दोस्तों पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे हेस्टिंग्स। अगर पूछे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे दोस्तों। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये थे दोस्तों कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारी भैंस जो है ना पानी में जाती है। गुरुजी किसको कहते हैं? बैले जली को कहते हैं। और भैंस गई पानी में, बैले जली नहीं दोस्तों, लिख
लिख लो डुप्ले। किसको दोस्तों? अगर पूछे सहायक संधि जो है इसका दोस्तों जनक कौन है, तो नोट कर लेना सहायक संधि का जनक है डुप्ले। कौन है? डुप्ले। अगर पूछे सहायक संधि का उपयोग सबसे अधिक किसने किया, वो किया दोस्तों वैले जली। किसने किया? वैले जली ने। तो अगर आपसे पूछे सहायक संधि का जनक कौन है, तो नोट कर लेना दोस्तों इसका जनक है डुप्ले महाराज। कौन है? डुप्ले। और पूछे सहायक संधि का प्रचार प्रसार, वो दोस्तों वैले जली के द्वारा किया गया। सिविल सर्विस का जनक कौन है, वो है दोस्तों आपके कॉर्नवॉलिस। कौन है? कॉर्नवॉलिस। अब देखिएगा कॉर्नवॉलिस जो है दोस्तों, अगर आपसे पूछे पुलिस का जनक कौन है, तो पुलिस का जनक भी दोस्तों कॉर्नवॉलिस है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे स्थाई बंदोबस्त, कितनी बार क्वेश्चन आया है स्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है, वो भी दोस्तों व्यवस्था कॉर्नवॉलिस के द्वारा स्टार्ट होती है। तो लिखिएगा स्थाई बंदोबस्त, जिसे तुम दोस्तों जमींदारी व्यवस्था भी कहते हो, ये किसके द्वारा स्टार्ट होती है, ये भी दोस्तों कॉर्नवॉलिस के द्वारा स्टार्ट होती है। और एक सवाल, सिविल सर्विस जो है दोस्तों ये दिवस कब बनाते हैं, तो नोट कर लो 21 अप्रैल को बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन दोस्तों हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट को क्या कहा था, ये भारत का स्टील फ्रेम है। लिखना रसगुल्लो। अगर पूछे सिविल सर्विस डे कब बनाते हैं, 21 अप्रैल को, क्योंकि दोस्तों इसी दिन जो है 21 अप्रैल 1947 को दोस्तों सिविल सर्विस, अगर आपसे पूछ लेना कि जो 21 अप्रैल 1947 है, इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों सिविल सर्वेंट को भारत का इस्पाती ढांचा कहा था। अगला क्वेश्चन देखना, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। सीधा क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ने पूछा, मैंने आपके सामने लिख दिया। कांग्रेस का जो अधिवेशन था ना, वो नोट करना 1896 का अधिवेशन दोस्तों कौन सा था, कलकत्ता अधिवेशन। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा अगर वो आपसे पूछ ले कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की। सोचो रसगुल्लो, क्वेश्चन कितना खतरनाक होगा अगर वो आपसे पूछ ले इसकी अध्यक्षता किसने की। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बताओ भाई साहब, अगर पूछे 1896 में दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखना इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहमतुल्ला। क्वेश्चन को नोट करना, अच्छे से नोट करना दोस्तों, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्ला दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष। और कौन से अधिवेशन में, तो नोट करना 1896 के दोस्तों अधिवेशन में। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, करजन। कौन थे दोस्तों? करजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ध्यान रखना 1905। कब हुआ? 1905। अगर मैं पूछूं इस विभाजन के विरोध में दोस्तों कौन सा आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया, तो 1911 के दिल्ली दरबार में। कब किया दोस्तों? 1911 के दिल्ली दरबार में। किसको रद्द किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया। अब एक सवाल तुम बता दो, बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट क्या तय की गई। बताओ दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले इसको लागू करने की क्या डेट तय की गई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो। भारत के पहले वायसराय कौन थे, ये थे दोस्तों कैनिंग। और लिख लेना इनके समय ही 1857 की क्रांति होती है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति में भारत के वायसराय कौन थे, वो थे भाई साहब कैनिंग। कौन थे? कैनिंग।
नहीं, अरे डेट बताओ, डेट रसगुल्लो, क्या बात है यार। मतलब मैं फिर कह रहा हूं, पेपर सुन ले मेरी बात, गौर से सुनना पेपर, अब की बार जंग छिड़ी तेरा इतिहास भूगोल मिटा देंगे। और दोस्तों 16 अक्टूबर, क्या बात है, खतरनाक, क्या खतरनाक हो भाई साहब तुम, लिख लो 16 अक्टूबर 1905। दोस्तों ये डेट तय की गई थी बंगाल विभाजन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। तुम तो ऐसा करो, तीनों व्यवस्थाओं की चटनी बना के दोस्तों लपेट जाओ, क्या लपेट लो। देखिए तीनों व्यवस्थाएं आपके सामने है, मान लीजिए दोस्तों भारत का मैप है, क्या मान लीजिए इसमें यहां पर कौन सी व्यवस्था है, यहां है दोस्तों स्थाई बंदोबस्त। कौन सी है? स्थाई बंदोबस्त। किसने स्टार्ट की थी? कॉर्नवॉलिस ने दोस्तों इसको स्टार्ट किया। अगर पूछे साउथ इंडिया में कौन सी व्यवस्था थी, तो नोट करना यहां थी दोस्तों रैयतवाड़ी। कौन सी थी? रैयतवाड़ी। किसने स्टार्ट की थी? ये की थी दोस्तों रीड और मुनरो। किसने? रीड और मुनरो। और दोस्तों अगर पूछे यहां पर कौन सी व्यवस्था थी, तो लिखना महलवाड़ी। कौन सी थी? महलवाड़ी। और ये किसने स्टार्ट की दोस्तों? होल्ट मैकेंजी। किसने की थी? होल्ट मैकेंजी। इनमें से देखना आप, तुम तो पेपर उठा लेना, क्या इस क्लास के खत्म होते ही पेपर उठाना और उसमें देखना आधुनिक इतिहास के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तुम दोस्तों हर क्वेश्चन की बैंड बजाने में समर्थ हो जाओगे, बस पूरी शिद्दत से। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हो ना, तुमसे एक बात कहूंगा, ईमानदारी मेहनत तुम्हारे सामने है, इसका नतीजा अब तुम्हें देना है। तो ऐसे बना लो दोस्तों, पेपर में तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, तुम उसका दोस्तों पोस्टमार्टम कर देना। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ, याद करो 1932 दोस्तों, कब? 1932 के समय पूना पैक्ट हुआ था, किस जेल में? यरवदा जेल। और दोस्तों वो जेल कौन सी है? वो जेल है पुणे की। किसकी? यरवदा जेल। दोस्तों कहां स्थित है? पुणे के अंदर स्थित है। और दोस्तों किस किस के बीच हुआ था, तो लिख लेना गांधी जी और दोस्तों अंबेडकर। किसके? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ। सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो दलित है दोस्तों उनको पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, ये इसकी सबसे बड़ी बात थी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, कांग्रेस की पहली, सीधा क्वेश्चन देखना, आईएएस का क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर अब आएगा मजा, क्या अब आएगा मजा दोस्तों, नोट करना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अधिवेशन था दोस्तों 1925 का, कहां पर हुआ था? कानपुर के अंदर। और अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू। किसने की दोस्तों? सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यह भी दोस्तों नोट करना, इंडिया की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी विसेंट, इसको ढंग से नोट करना अगरबत्ती लगा के। अगर आपसे पूछे दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी विसेंट है। अगर आपसे पूछे एनी विसेंट की पत्रिकाओं के नाम बताओ, तो दो पत्रिकाएं ध्यान रखना, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील। सीधा क्वेश्चन पूछता है, न्यू इंडिया और दोस्तों कॉमन व्हील, ये दोनों की दोनों आपको ध्यान रखनी है। किसकी है? दोनों की दोनों दोस्तों एनी विसेंट की। बुड डिस्पैच किसके शासन काल में आया? बुड डिस्पैच को कहते हैं दोस्तों आधुनिक शिक्षा का मेगना कार्टा। क्या बोलते हैं? आधुनिक शिक्षा का मेगना कार्टा दोस्तों इसे कहा जाता है। कब आया था मेरी जान? ये आया था 1854 में। उस समय दोस्तों कौन झंडू बाम थे? डल होजी। कौन था? डल होजी।
जी। सबसे बड़ा दोस्तों झंडू बाम है ये डल हो जी। इसके कारनामे सुन लो, पेपर में छपते हैं डल हो जी। पहली बार दोस्तों रेल किसके कार्यकाल में चलती है? डल हो जी के कार्यकाल में। अरे लो छाप लो क्या? हाँ, कुछ छोड़ना मत दोस्तों, तुम तो बस सिलेक्शन लेके एक बार डीजे बजवा दो, मेरे को तो डांस करना है गजवण पानी। हाँ दोस्तों, उस पर डांस करना है। तो आइएगा डलहौजी की बात करो। अगर पूछे 1853 में दोस्तों पहली जो ट्रेन है भारत में किस किस के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है, कब? 1853 में। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल में बुड डिस्पैच आता है। क्या आता है? बुड डिस्पैच। इनके समय दोस्तों एक सिद्धांत था, व्यपगत का सिद्धांत। लिख लो, अगर आपसे पूछ ले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्या? व्यपगत का सिद्धांत या फिर दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके शासन काल में आया, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। फूट डालो राज करो, ये दोस्तों किसके शासन काल में? डलहौजी के शासन काल में। डलहौजी नहीं दोस्तों, अवध को। किसको? अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया। लिखना दोस्तों, डलहौजी नहीं क्या किया था? डलहौजी नहीं दोस्तों, अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया। और ये रिपोर्ट किसने पेश की थी कमेंट बॉक्स में छाप दो। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? अरे पढ़ चुके हैं रसगुल्लो, याद करो, होल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था के दोस्तों जनक है। कौन? मैकेंजी। अगर पूछो रैयतवाड़ी का, तो दोस्तों रीड और मुनरो, वो फोटो याद करो, रैयतवाड़ी रीड मुनरो। अगर पूछे दोस्तों महलवाड़ी होल्ट मैकेंजी। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि जो स्थाई बंदोबस्त है वो ध्यान रखना कॉर्नवॉलिस। कौन है? कॉर्नवॉलिस। अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अभी बताया मैंने आपको डलहौजी के कार्यकाल में आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और दोस्तों रिपोर्ट थी आउट्रम की रिपोर्ट। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और उत्तर प्रदेश वालों तुम तो छाप लो इस क्वेश्चन को। किसकी रिपोर्ट थी? आउट्रम की रिपोर्ट थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर, क्या? इसी रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों किसको? अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया। क्या? अवध को कुशासन के आधार पर, आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर हड़प लिया। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना किस समय की गई? तो नोट करना, 1872 में। किसके समय? झंडू बाम मेयो के समय की गई। लेकिन अगर पूछ लो कि दोस्तों पूरे विश्व में पहली जनगणना किस देश में हुई थी, लिखो दोस्तों स्वीडन में हुई थी। इस क्वेश्चन को छापना। अगर पूछो विश्व में पहली जनगणना किस कहां पर हुई थी, तो लिखना दोस्तों स्वीडन के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन, अगर पूछो भारत में दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, तो लिखना दोस्तों दशकीय आधार पर जनगणना जो है ये हुई थी रिपन के कार्यकाल में 1881। सवाल को ढंग से पढ़ लेना। अगर पूछ ले जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय। और अगर पूछे जनसंख्या किस सूची का विषय है, जनसंख्या संवर्ती सूची। अभी लिख रहा हूं, ढंग से छापिएगा। अगर पूछ ले जनगणना किस सूची का विषय है, तो मेरे दोस्तों जनगणना संघ सूची का विषय है। और अगर पूछे जनसंख्या किस सूची का विषय है, जनसंख्या दोस्तों संवर्ती सूची का विषय। अगला देखिए, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? लिखिए दोस्तों, रोलेट एक्ट को कहते हैं। कब आया? 1919 में आया। इसे ही दोस्तों काला कानून कहते हैं। क्या? इसे ही कहते हैं क्या? काला कानून। तो ध्यान रखिएगा, ना अपील ना दलील, काला
पहला कानून दोस्तों वो है 1919 का रोलेट एक्ट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? ये मिल गया सवाल। अब देखना दोस्तों क्या फलूदा बनाते किसका, आधुनिक इतिहास का। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों ये हुई थी 9 अगस्त 1925। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 है। अगर पूछे कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों काकोरी स्थान। यहां पर ट्रेन को लूटा गया था, कौन कौन इसमें शामिल था? तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद, दूसरा नाम किसका है दोस्तों अशफाक उल्ला खान, फिर है राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी के सभी शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया। अगर तुमसे पूछ ले अशफाक उल्ला खान, क्या अशफाक उल्ला खान दोस्तों अगर पूछे ये प्राणी उद्यान जूलॉजिकल पार्क कहां बनाया गया, तो गोरखपुर के अंदर दोस्तों अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान इसका निर्माण किया गया। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो लिखिएगा 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया स्वराज पार्टी की स्थापना, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। लिखिए चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। इन्हें दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। पहला क्वेश्चन, राजा की उपाधि दोस्तों, राजा की उपाधि कहां से आई? तो नोट करना, अकबर सेकंड। कहां से आती है? अकबर सेकंड से राजा की उपाधि आई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यह भी दोस्तों नोट करना, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, इन दोनों को छाप लेना। संवाद कौमुदी और दोस्तों मिरातुल अखबार, ये दोनों की दोनों जो अखबार है वो किसने प्रकाशित किए? राजा राम मोहन राय ने किए थे। और अगर पूछे सती प्रथा को समाप्त करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, वो है दोस्तों राजा राम मोहन राय। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई थी? ये सिखाई थी पुर्तगालियों ने। इन्होंने बेटा कैसे काम किए दोस्तों, गालियां खाने लायक। कैसे? गालियां खाने लायक, मतलब तंबाकू की खेती सिखा गए। किसकी दोस्तों? तंबाकू की खेती। प्रिंटिंग प्रेस, ये भी कौन सिखा कर गए? प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों ये भी पुर्तगाली सिखा कर गए। अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे पहले कौन आया, वो दोस्तों आए कौन? ये आए आपके पुर्तगाली। तो लिखिएगा भारत में दोस्तों सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। क्या? सबसे लास्ट में गए दोस्तों पुर्तगाली। सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए। पुर्तगालियों का केंद्र क्या था? गोवा। कौन दोस्तों? गोवा वाले बीच पर ये दोस्तों इनका क्या था, केंद्र बिंदु था किसका? पुर्तगालियों का। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहते हैं दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक। और रिपन के समय ही एक विवाद होता है, इल्वर्ट बिल विवाद। कौन सा? इल्वर्ट बिल विवाद। कब हुआ दोस्तों? ये हुआ रिपन के समय। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जो रिपन है इन्हीं के समय दोस्तों दशकीय आधार पर जनगणना स्टार्ट होती है। किसके समय दोस्तों? रिपन के समय। स्थानीय जो स्वशासन है, अगर तुमसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर भारत में लागू होती है? बलवंत राय मेहता। किसकी दोस्तों? बलवंत राय मेहता। इस समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट हुई। ये देखिए दोस्तों खतरनाक क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो बक्सर का जो युद्ध है 1764 के अंदर
लड़ा गया। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो। लिखना दोस्तों, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने दोस्तों बक्सर का युद्ध लड़ा। क्यों महत्वपूर्ण है ये युद्ध? क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में हमारे जो मुगल शासक थे शाह आलम सेकंड, उनको दोस्तों हरा दिया। किसने? ये हेक्टर मुनरो ने हरा दिया। तो दोस्तों मुगल शासक थे शाह आलम सेकंड। क्या नाम था? शाह आलम सेकंड। ये दोस्तों मुगल शासक थे, इनको हरा दिया। किसमें? बक्सर के युद्ध में हरा दिया। और दोस्तों बंगाल के नवाब थे मीर, कौन से? मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। अब आप पूछोगे इसके बाद संधि कब हुई? संधि हुई 1765। और कमाल की बात है दोस्तों, संधि करने के लिए किसको बुलाया? क्लाइव को। किसको? क्लाइव को। तो देखिए संधि होती है 1765 में, संधि का नाम था इलाहाबाद संधि। कौन सी? इलाहाबाद संधि। और संधि करने के लिए किसको बुलाया गया? क्लाइव को बुलाया गया। इन दोनों क्वेश्चन को खतरनाक तरीके से याद रखना। हेक्टर मुनरो ने दोस्तों बक्सर का युद्ध लड़ा। क्या? हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध लड़ा। और अगर पूछे संधि करने के लिए दोस्तों किसको बुलाया गया? क्लाइव को बुलाया गया, 1765 इलाहाबाद की संधि। अगला देखना, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। कौन है दोस्तों? दीन बंधु जो मित्र हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है नील दर्पण। कौन सी है? नील दर्पण। अगला देखना, सत्यशोधक समाज स्टार लगा लो दोस्तों, खतरनाक क्वेश्चन। क्या? खतरनाक क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। किसने की? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। कहां पर की गई दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। आईएएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। दोस्तों ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। अब कमेंट बॉक्स में बताओ ज्योतिबा फुले का हैप्पी बर्थडे कब आता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो ज्योतिबा फुले, इनका हैप्पी बर्थडे दोस्तों कब आता है? बेटिंग तो दोस्तों जम के ही करूंगा। क्या? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि महादेव की कसम तांडव होगा दोस्तों इस क्लास को। जब बाद में सुनोगे ना तो कहोगे कि सर मजा आ गया, एक घंटे में इतना मैटर दोस्तों। ये ऊपर वाला जो खोपड़ा है ना, वो कह देगा कि अब तो मेहनत कर ले, अब तो दोस्तों मां बाप का सपना पूरा करना है। तो नोट कर लेना तीनों क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक दोस्तों, सत्यशोधक समाज, और दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना। और 11 अप्रैल छापिएगा दोस्तों, 11 अप्रैल को जन्म दिवस है किसका? ज्योतिबा फुले। सत्यार्थ प्रकाश नोट करो, दयानंद सरस्वती। कौन दोस्तों? दयानंद सरस्वती। चार बातें फटाफट छापिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? दयानंद सरस्वती। 1875 कब की गई? 1875। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लोटो। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया दोस्तों? शुद्धि आंदोलन भी नोट करना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया। और अगर पूछ ले सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का रचना किसने की, तो ये भी दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ये देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, और वो था दोस्तों 1924 का, अगर पूछ ले बेलगाम अधिवेशन। नोट करना 1924 का दोस्तों बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। कहां है? कर्नाटक है। तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। 1925 में कानपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों?
ये की थी ध्यान रखना सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। आगे बढ़िए, भारत की दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, अगला क्वेश्चन देखना, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन भी दोस्तों गलत है ना। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया, तो लिखिए दोस्तों ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर आपसे पूछो सरदार की उपाधि दोस्तों इन्हें मिली थी बारडोली सत्याग्रह के अंदर, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी। अगर पूछू दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो नोट करना दोस्तों ये दी थी बारडोली के अंदर महिलाओं ने गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा बाल गंगाधर तिलक। किसे? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं दोस्तों। किसका? भारतीय उपद्रव का पिता। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, किसने कहा, क्या किसने कहा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, को किसने कहा बाल गंगाधर तिलक? तुम तो कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे कि बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारतीय उपद्रव का पिता किसके द्वारा कहा गया। यही नोट कर लेना, गीता रहस्य पुस्तक जो है ये किसकी है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक की। और अगर पूछे केसरी और मराठा ये दोनों पत्रिका किसकी है, ये भी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है। फटाफट, क्या बात है, वैलेंटाइन सिरोल लिखना दोस्तों, जो वैलेंटाइन सिरोल है इनके द्वारा कहा गया क्या कि जो बाल गंगाधर तिलक है ये दोस्तों भारतीय उपद्रव के पिता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया, अवध रियासत। किसका दोस्तों? अवध का। अगर पूछ लो गोद प्रथा का विरोध करके किस दोस्तों रियासत का विलय किया, झांसी। लिखना दोस्तों, गोद प्रथा का विरोध करके किसका विलय किया दोस्तों? झांसी का विलय किया। किसका? झांसी। और पूछे कुशासन के आधार पर ये दोस्तों अवध का विलय किया गया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा बुड डिस्पैच को कहते हैं दोस्तों, और ये बुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया, किसके टाइम आया, डलहौजी के टाइम में आया था। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लिखना आर सी दत्त दोस्तों इनकी तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसकी है, आर सी दत्त की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री दोस्तों उनका नाम क्या है, उनका नाम है मौलाना आजाद। क्या दोस्तों? मौलाना आजाद, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, मौलाना आजाद की पुस्तक है। हंटर आयोग कतई जहर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग दोस्तों इससे संबंधित है हंटर आयोग, तो लिखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, कौन गोली चलवाता है, जनरल डायर दोस्तों गोली चलवाते हैं, और हुआ क्या था उसके बाद में, जनरल डायर का तो जांच करने के लिए कौन सा आयोग बना, हंटर आयोग। हंटर आयोग ने दोस्तों जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया। क्या? निर्दोष साबित कर दिया। एक नंबर का फर्जी आयोग है दोस्तों हंटर आयोग। आगे बढ़िएगा, संवाद कौमुदी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका संबंध है राजा राम मोहन राय। क्या दोस्तों? राजा राम मोहन राय इनसे संबंधित है संवाद कौमुदी अखबार। लाल कुर्ती दल लगा दो स्टार। क्या? लगा दो स्टार दोस्तों। पहली बात तो लाल कुर्ती दल, इसका संबंध किससे है, खान अब्दुल गफ्फार खान। किससे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इन्हीं को कहते हैं सीमांत गांधी। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। और लिख लेना दोस्तों लाल कुर्ती
मजबूती दल के जो मेंबर है ना उन्हें कहते हैं खुदाई खिदमतगार। ये क्वेश्चन पूछा गया कि खुदाई खिदमतगार इससे आप क्या समझते हैं, तो खुदाई खिदमतगार इससे दोस्तों इसका संबंध किससे है, लाल कुर्ती दल से या फिर दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें ही कहते हैं सीमांत गांधी। चारों क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से नोट करना, कम से कम दोस्तों जिन पर कह रहा हूं ना स्टार लगा लो, वो तो अति महत्वपूर्ण सवाल है। जिस दिन तुम्हारा पेपर हो ना उस दिन इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों कमेंट करना। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कुशासन के आधार पर पढ़ चुके हैं अवध को मिलाया किस आयोग की सिफारिश पर। ये लीजिए एक और खतरनाक क्वेश्चन, 1924 में दोस्तों एक आयोग बनता है एकवर्थ आयोग। कौन सा आयोग है, एकवर्थ आयोग। इस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से, क्या रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया दोस्तों एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर। फिर दोस्तों विवेक देवरॉय समिति, कौन सी है विवेक देवरॉय समिति, इस समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, इस समिति की सिफारिश पर दोस्तों रेल बजट को वापस से विलय कर दिया आम बजट के अंदर। तो आपसे पूछ ले किस दोस्तों किसकी सिफारिश पर, तो नोट करना एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर अलग किया गया 1924 में रेल बजट को आम बजट से। और मेरी जान अगर पूछे किसके द्वारा मिलाया, तो नोट करना दोस्तों विवेक देवरॉय समिति के द्वारा दोस्तों रेल बजट को वापस से आम बजट में मिला दिया।